गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1704 ईस्वी की रात्रि में आनंदपुर साहिब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सरसा नदी के तट पर गुरुजी का परिवार तथा अन्य सिंह तीन समूह में बट गए। माता गुजरी कौर जी तथा दोनों छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी गुरुजी के रसोइये गंगू ब्राह्मण के साथ उनके गांव साहेड़ी पहुंचे। गुरुजी तथा दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी तथा बाबा जुजार सिंह जी अपने 40 सिंहों के साथ रोपड़ के रास्ते चमकौर साहिब के लिए रवाना हुए तथा माता सुंदरी कौर तथा माता साहिब कौर जी अपने भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली की ओर चल दिए। गुरुजी के जीवन का निर्णायक युद्ध चमकौर साहिब के किले में हुआ, जिसमें दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी तथा जुजार सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोखम सिंह तथा पंच प्यारों में से भाई साहिब सिंह जी तथा 34 अन्य सिंहों के साथ शहीद हो गए। गुरुजी ने जब यह कहा कि वह युद्ध के मैदान में जाएंगे तो सिंहों ने गुरुजी को सुझाव दिया कि पंत को उनकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहिए। तब 5 सिंहों के एक समूह ने उन्हें चमकौर के किले से बाहर निकलने का आदेश दिया। सिंह के आदेश को लागू करते हुए गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे माछीवाड़ा के जंगलों में देखोगे, ध्रुव तारे की दिशा में आओ। चमकौर साहिब के किले से निकलकर गुरुजी बहिलौलपुर होते हुए चूहड़पुर गाँव पहुँचे और एक बड़ी झाड़ी के नीचे शरण ली। अब उस स्थान पर गुरुद्वारा झाड़ साहिब स्थित है। वहां से गुरुजी 22 दिसंबर 1704 ईस्वी की रात के समय पवात होते हुए माछीवाड़ा साहिब पहुंचे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी पहली बार पानी पीने और आराम करने के लिए रुके थे। यहीं पर भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मनी सिंह जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास उनकी योजना के अनुसार फिर से आए। जिस कुएं से गुरु गोविंद सिंह जी ने पानी पिया था वह आज भी मौजूद है और यहां आने वाली संगतों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। गुरुजी ने जिस झंड वृक्ष के नीचे विश्राम किया था वह गुरुद्वारा साहिब के बाईं ओर है। यहीं पर गुरुजी ने मित्र प्यारे नू शब्द गाया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस कुएं से पानी पिया था वह भाई गुलाबा और भाई पंजाबा का था। भाई गुलाबा और भाई पंजाबा गुरुजी को अपने घर ले आए, जहां गुरुद्वारा श्री चौबारा साहेब माछीवाड़ा स्थित है। भाई गुलाबा और भाई पंजाबा की माता हरदेई ने गुरुजी को चोला भेंट किया था। चमकौर में जब मुगल सेना को गुरुजी के भागने का पता चला तो मुगल कमांडर दिलावर खान सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ गुरुजी की खोज में निकल गया और माछीवाड़ा पहुंच गया। भाई गुलाबा और भाई पंजाबा को जब यह समाचार मिला तो वह घबरा गए और उन्होंने गुरुजी से वहां से चले जाने का अनुरोध किया। गुरुजी के भक्त दो पठान भाई गनी खान और नबी खान भी माछीवाड़ा के ही निवासी थे। गनी खान और नबी खान बहादुर और विश्वसनीय भाई थे, जिन्होंने मित्रता, सहानुभूति और दया के प्रमाण के रूप में संकट में गुरुजी की मदद की थी। वह घोड़ों के व्यापारी थे और आनंदपुर साहिब में गुरुजी को घोड़े उपलब्ध करवाते थे। जब उन्हें गुरुजी के आगमन का पता चला तो वह भी गुरुजी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वह उनके घर पर पधारकर उन्हें धन्य करें। जब उन्होंने देखा कि बहुत से मुखबिर इधर उधर घूम रहे हैं तो उन्होंने सुझाव दिया कि गुरुजी को अपने कपड़े नीले रंग में रंगवा लेने चाहिए, क्योंकि उनके लिए भेष बदल कर यात्रा करना आसान और अधिक सुरक्षित होगा, और इसलिए एक रंगरेज को बुलाया गया। जब रंगरेज आया तो गुरुजी ने अनुरोध किया कि उनके कपड़ों का रंग नीला कर दें, क्योंकि नीला रंग जो उस समय सूफी संतों से जुड़ा हुआ था। रंगरेज ने तब गुरुजी से कहा कि वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन उसने यह भी कहा कि कपड़े तभी रंगे जा सकते हैं जब मिट्टी का बर्तन पूरी तरह से तैयार हो और रंग डालने के बाद इसमें 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने रंगरेज से कहा कि उसके पास पहले से ही एक बर्तन तैयार है। जब रंगरेज ने अगले कमरे में जाकर उसे देखा तो वह यह देखकर चकित रह गया
कि मिट्टी पहले से ही पानी में उचित रंग के साथ उबल रही थी। रंगरेज को अब यकीन हो गया था कि गुरुजी एक सच्चे ईश्वर के तपस्वी हैं, इसलिए उसे उनसे कुछ वरदान मांगना चाहिए। कपड़ों को रंगने और उन्हें गुरु के चरणों में पेश करने के बाद रंगरेज अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया। गुरुजी ने उसे कुछ सिक्के दिए, लेकिन रंगरेज ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। रंगरेज ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि उसे एक बच्चा चाहिए, फिर एक दूसरा अनुरोध करते हुए कहा, चूंकि मैं जीविका के लिए पर्याप्त कमाने में असमर्थ हूँ और मैं अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली रंगाई के लिए कर्ज का भुगतान करने में सक्षम नहीं हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तर दिया, जिस मिट्टी में आपने मेरे कपड़े रंगे हैं, उसमें फिर कभी किसी रंग को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस अपने कपड़े को उसमें डुबाएं और जो भी रंग आप अपने दिल में सोचते हैं, कपड़ा उसी रंग का हो जाएगा। मिट्टी को ढककर रखें और यह रहस्य किसी को ना बताएं। यह वह स्थान है जहाँ गुरुजी ने उच्चता पीर का वेश धारण किया था। गुरुजी के कपड़ों को एक विशाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके नीले रंग में रंगा गया था, जिसे गुरुद्वारे में देखा जा सकता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी चौबारा में रुके थे, इसलिए इसका नाम गुरुद्वारा श्री चौबारा साहेब माछीवाड़ा पड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा श्री चौबारा साहिब में तैयार की गई नीले रंग की पोशाक में गनी खान और नबी खान के घर गए थे। गुरुजी इस स्थान पर 2 दिन और 2 रात रुके थे। गनी खान और नबी खान ने गुरुजी को दक्षिण पश्चिम पंजाब में मुस्लिम संतों की पुरानी पीठ उच्च का पवित्र व्यक्ति यानी उच्च दा पीर घोषित किया था। यही कारण है कि गुरुद्वारा श्री गनी खान नबी खान साहिब जी को गुरुद्वारा उच्चता पीर के नाम से भी जाना जाता है। गनी खान, नबी खान, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मणि सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी को एक संत की पालकी में बिठाकर माछीवाड़ा से बाहर ले गए। दिलावर खान की सेना ने माछीवाड़ा के जंगलों को घेर लिया। दिल्ली से निकलते समय उसने प्रार्थना की थी कि हे अल्लाह ताला, मेरी सेना को गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का सामना ना करना पड़े। मैं इसके लिए उच्चता पीर को 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करूंगा। वे अभी लगभग 1.5 मील ही चले थे कि शाही सेना ने उनकी पहचान के लिए जाँच की। दिलावर खान ने पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रहे हैं, तो नबी खान ने उत्तर दिया कि यह उनके उच्चता पीर हैं, जो धार्मिक स्थानों की तीर्थ यात्रा पर है। दिलावर खान को विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा, आपके उच्चता पीर बिना पहचान के आगे नहीं बढ़ सकते और उन्हें हमारे साथ भोजन करना होगा। गनी खान और नबी खान ने कहा, पीर रोजा यानी कि 30 दिनों का मुस्लिम उपवास पर है, हम सभी निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गुरुजी ने भोजन में छोटी तलवार हिलाई और उसे प्रसाद मान लिया। सभी को मुस्लिम भोजन परोसा गया। देग और खाद्य पदार्थों में कृपाण हिलाने की प्रथा इसी स्थान से शुरू हुई। इस स्थान पर गुरुद्वारा श्री कृपाण भेट साहिब जी स्थित है। पहचान के इरादे से नूरपुर, जो कि आनंदपुर साहिब जी के पास स्थित है, वहां से एक काजी सैयद नूर मोहम्मद को बुलाया गया। गुरुजी को बचपन में काजी ने फारसी सिखाई थी और काजी के मन में गुरुजी के प्रति बहुत आदर था। काजी ने दिलावर खान से कहा, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि पीर ने तुम्हें श्राप नहीं दिया, क्योंकि तुम उनकी यात्रा में विघ्न डाल रहे हो, वह पीरों के पीर हैं। दिलावर खान ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। काजी ने कहा, दिलावर खान, तुमने उच्चता पीर को 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने का वचन दिया था, अब अपना कर्तव्य निभाओ। दिलावर खान को पूरी तरह विश्वास हो गया। उसने तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राएं और एक कीमती शॉल प्राप्त की और उसे गुरुजी को क्षमा मांगते हुए भेंट किया। गुरुजी ने वह भेंट गनी खान और नबी खान को सौंप दी। पठान बंधुओं की कब्रें गुरुद्वारा गनी खान और नबी खान में स्थित हैं, जो शुरू में उनका निवास स्थान हुआ करती थी। सतनाम श्री वाहेगुरु।